तो गाइस आपको जैसे थंबनेल देख के पता चल गया है कि ये मेरा लास्ट वीडियो है, शायद इसके बाद मैं ब्लॉग ना बनाऊँ। पता नहीं क्यों मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन मुझे लेना पड़ा ये कि ये मेरा लास्ट ब्लॉग है, इसके बाद शायद मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगा। आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया। तो आज का वीडियो में हम लोग जाएंगे 5 स्टार फुचका में, तो चलिए देखते हैं और शायद इसके बाद आपको हमें इस चैनल में ना देखने को मिले। चलिए। ओ एक चीज़ बताना भूल गया, ये एक्चुअली मेरा लास्ट ब्लॉग है लेकिन 2021 का। बेलपुरी 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 ले लो बेलपुरी बेलपुरी गोलगप्पा। अच्छा गोलगप्पा से याद आया, सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स मी फ्रॉम द वंडर्स यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गोलगप्पा से याद आया कि आज हम लोग जाएंगे 5 स्टार गोलगप्पा जो कि है पार्क सर्किस में, और आज हम लोग गोलगप्पा खाएंगे। उसके बाद क्या खाएंगे पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो खाएंगे। चलिए देखते हैं आज क्या क्या हम लोग को खाने को मिलता है, और 5 स्टार गोलगप्पा का नाम 5 स्टार क्यों है, उसका पीछे रीज़न क्या है, ये आप सबको बताएंगे। और आज मेरे साथ है मेरा कॉलेज का दोस्त फरदीन, और कैमरा के पीछे है चांद नवाब हुज़ैफ़ा खलील। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, इन तक देखिए और मज़ा ज़रूर आएगा। तो गाइस अभी हम लोग आ गए पार्क सर्कस का एड्रेस 5 स्टार फुचका। पार्क सर्कस में हम लोग अभी आ गए 5 स्टार फुचका। आप देख सकते हैं नाम थोड़ा छुप गया है, तो इंट्रो में दिखा देंगे। तो इधर का नाम है 5 स्टार फुचका, मनोज कुमार सिंह इसका ओनर है। तो अभी हम लोग पूछेंगे कि इस दुकान का 5 स्टार फुचका नाम क्यों है, तो आप थोड़ा बताइए इधर का नाम 5 स्टार फुचका क्यों है। पापा रखे हैं 5 स्टार फुचका, ये है कि तो इंटर में ज़्यादा था इनका पापा इस दुकान का नाम 5 स्टार फुचका रखा था, तो इसीलिए इस दुकान का नाम 5 स्टार फुचका है। तो अभी हम लोग इधर का स्पेशल चीज़ ट्राई करेंगे। तो आपका इधर स्पेशल क्या क्या मिलता है? अच्छा इनका कहना है तो इधर का सभी स्पेशल है, तो हम लोग अभी ट्राई करेंगे 5 स्टार फुचका ट्राई करेंगे। और हमारा दोस्त जो है परदीन, वो बोला कि दही फुचका अच्छा है, तो दही फुचका कैमरामैन परदीन के लिए हम लोग दही फुचका स्टार्ट करेंगे और पापी चाट खाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है और क्या क्या अच्छा है, और प्राइस का लास्ट में बात करेंगे कि इधर का प्राइस चीप है या अच्छा है या ज़्यादा है, हम लोग लास्ट में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ट्राई करेंगे क्या 5 स्टार फुचका, दही फुचका और पापी चाट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मल फुचका 10 रुपये में कितना मिलता है भाई? 15 का 5 है नॉर्मल फुचका, 15 का 5। क्या बना रहे दही फुचका 5 स्टार? तो अभी भैया दही फुचका और 5 स्टार फुचका बना रहे हैं, तो हम देखते हैं इनका प्रोसेस क्या है और आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस अभी मेरा पास है 5 स्टार फुचका, इधर का जो कि फेमस है 5 स्टार फुचका। तो इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है,
फर्स्ट ऑफ ऑल बादाम है और बहुत सारा चटनी है। और आप बोलिए थोड़ा क्या क्या दिया इसमें आप? चना मटर है, चना मटर है, मीठा चटनी है, मीठा चटनी खजूर वाला है, खजूर वाला मिर्ची है, मिर्ची है और धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता है, सेब बादाम, बादाम। ठीक है तो अभी हम खा के ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। बढ़िया है फुचका, एकदम ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मल चटनी फुचका ऐसा नहीं है, फाइव स्टार नाम है इसलिए टेस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट है, थोड़ा अच्छा टेस्ट है और इसमें बहुत सारे चीज़ दिया हुआ है वो मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है, मुंह में जाके बहुत सारा चीज़ का टेस्ट आ रहा है और सबसे ज़्यादा टेस्ट है या आपका जो चटनी है, चटनी का बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, वो बहुत बढ़िया है, इमली का चटनी है बहुत बढ़िया है। और ये जो फुचका का साइज़ है ये भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा फुचका का साइज़ है, आप देख सकते हैं फुचका का साइज़ कितना बड़ा है और बहुत ही टेस्टी है, अंदर बहुत सारा चटनी दिया हुआ है और बहुत टेस्टी लग रहा है हमको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी मेरे पास है दही फुचका, तो दही फुचका में क्या क्या दिया है ये चलिए एक बार फिर से पूछ लेते हैं। भैया आप थोड़ा बताइए दही फुचका में आप क्या क्या दिया है? इसमें आलू है, आलू है, दही है, दही और वही मीठा चटनी उसमें भी ऐड हुआ है, मीठा चटनी इसमें भी है, सेब बादाम, सेब बादाम, पत्ता, धनिया पत्ता और मसाला, और मसाला। ठीक है और आपका स्पेशल क्या है इसमें, आपका दुकान का स्पेशल क्या है इसमें? दुकान का स्पेशल अगर ज़्यादा ही चलता है तो ही चलता है दही फुचका। अच्छा मतलब इसमें आप कोई आपका स्पेशल मसाला या और कुछ इसमें डाले हैं आप? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, भैया का बोलना है कि कुछ स्पेशल मतलब दुकान का स्पेशल कुछ नहीं है लेकिन जो स्पेशलिटी है वो टेस्ट का है, तो चलिए खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। ओ भाई बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत ही बढ़िया। मैंने इससे पहले कई जगह दही फुचका खाया हूँ लेकिन इसका जो टेस्ट है ना बहुत बढ़िया। हम ये नहीं बोल रहे इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ दिया है लाइक कुछ मसाला, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनका चटनी दही सब सब कुछ इतना फ्रेश है और इतना अच्छा टेस्ट दे रहा है, क्या ही बताएं आपको, मैं बोल के नहीं समझा पाऊँगा, आप लोग इधर आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इधर का मतलब टेस्ट क्यों इतना अच्छा है। आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ है इनके पास, नॉर्मल है लेकिन टेस्ट सबसे बढ़िया है। आप लोग इधर आइए खा के देखिए और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छा बहुत अच्छा ज़रूर लगेगा। तो इस फुचका को अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं 10 में से 9.5 दूँगा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा फुचका है, मुझे पता नहीं इससे अच्छा फुचका कहीं पर है कि नहीं इसलिए मैंने 9.5 दिया। फुचका बहुत बहुत बढ़िया है और उधर जो फाइव स्टार फुचका है वो उसको मैं 8 रेटिंग दूंगा लेकिन उससे भी ये और ज़्यादा अच्छा है, तो मैं एक और खाऊंगा, इसके बाद खाएगा हमारा कैमरामैन उज़ैफा। तो चलिए पापड़ी चाट ट्राई कर लेते हैं एक बार, मैं हम भी एक पापड़ी हाथ से ट्राई कर लेते हैं। अरे टूट गया, अच्छा है इसका टेस्ट, वो दही फुचका जो है ना उतना है, वैसा ही टेस्ट है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस ये पापड़ी है वो फुचका है, बाकी सब सेम ही है लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप कभी इधर आते हैं तो आपको मेरे ख्याल से फाइव स्टार फुचका और दही फुचका ट्राई करना चाहिए, पापड़ी चट भी अच्छा है लेकिन फाइव स्टार फुचका दही फुचका बढ़िया है, ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आप खाओगे तो इधर खा के पापड़ी चट, अगर आप खाते हो पता चले पापड़ी चट बहुत अलग है, यहाँ फेमस ऑफिस की बात है कि उसका दही फुचका है, क्यों अलग है इसका अलग ये भाई, इसका जो टेस्ट है ना ये चटनी इसमें बहुत अच्छी है, ये चटनी और ज़्यादा बहुत पतली मिलती है, वो पूरा पानी पानी रहता है कि इसको देखो कितना अच्छा ग्रेवी है इसमें, अब तभी भी और 7 के पास, 7 के पास आके आप आने तो आपको यहाँ ज़रूर आना आप एक बार ट्राई करना, और भाई को मस्त आदमी है उनका जो बात वात भी करे पता भी कर लेना, ठीक है पीस आउट। इधर आपको मिलेगा हाथ धोने का बहुत अच्छा जगह, आप इधर हाथ भी धो सकते हैं, नहा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, साइड में रास्ता है, अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा लीजिए, लेकिन अभी ठंडा का टाइम है, मैं 2-4 दिन से नहाया नहीं लेकिन अभी मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि बहुत लोग हैं,
तो मैं सिर्फ हाथ मुंह धो के चला जाऊंगा और आप लोग जरूर आना। पॉज कर ले। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टॉवल सो आई हैव टू यूज माई स्वेटशर्ट फॉर मूचिंग माई मुंह। गाइस ढूंढते ढूंढते अभी हम लोग आ गए सुलेमान टी जो कि कहाँ है पार्क सर्कस में ही है वो फुचका का दुकान का साइड में ही है। आप थोड़ा आगे मतलब बाहर निकल के थोड़ा लेफ्ट में आएंगे तो ये चाय का दुकान मिलेगा सुलेमान टी। तो अभी इधर हम लोग पियेंगे तंदूरी चाय हो गया ना और चलो ट्राई करते हैं एक अपने कैमरा। बहुत बढ़िया चाय है। तंदूरी चाय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही टेस्टी है। एक्चुअली छोटा मोटा दुकान है लेकिन चाय बहुत अच्छा बनाता है और हम लोग हमारा कैमरा मैन का चाय पकड़ के खड़े है। हम इससे भी थोड़ा पियेंगे। एक बात बता दें चाय हम बहुत जगह के यहाँ ट्राई किए, मतलब अभी तक की मेरे को तो बेस्ट चाय लगी भाई तंदूरी चाय। मुझे जरूर से आओ भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चाय लवर हो तो भाई कसम से यहाँ की चाय में आए है स्वाद है स्वाद। दुकान का साइज देख के मत जाना। हाँ लेकिन टेस्ट देख के जाना, बहुत अच्छा चाय बनाता है और हांडे की भी क्वालिटी काफी अच्छी है। हाँ में बन रहा है, गर्म नहीं लग रहा है हाथ में। और भाई चाय तो एक नंबर है, चाय का कुछ कहना ही नहीं है, बस आके ट्राई करो तब समझ में आएगा कि चाय नहीं पी तो क्या नहीं पी। बहुत बहुत बढ़िया चाय। अब हम थोड़ा हवा भी पी लेते हैं। आओ कैमरामैन चाय पी ले लो। चाय चाय तो तेरा बता रहा है, ले लो चाय। ए भाई यहां पर है तू उठा रहा है चाय पियोगे? चाय चाय। हां भाई चाय पिलाओगे साथी भाई से हमको बता रहे हैं। चाय 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 पी लो पिला दे। और आज हम नहीं यहां पर तो आ रहे हैं तो नहीं है। हां भैया ले लो ले लो चाय चाय चल रहा है कंपनी भाई। तो चाय तो खत्म हो गया और वीडियो भी खत्म हो गया। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आज हम लोग दो जगह घूमे, फाइव स्टार फुचका और सुलेमान टी, दोनों बहुत बढ़िया था। फाइव स्टार फुचका में दही फुचका और सुलेमान टी में तंदूरी टी, बहुत ही बढ़िया था। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द वंडर्स। और स्पेशल थैंक यू मेरे साथ दो जन को आने के लिए, हुज़ैफ़ा खलील एंड फरदीन रज़ा खान। आप दोनों को भी थैंक यू मेरे साथ वीडियो में आने के लिए। तो वीडियो इधर ही खत्म करता है। टाटा।